Assalamu alaikum. पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजादी। अरे क्या हो गया चाचा? ये कोई आजादी बनाने का तरीका है? और क्या तरीका? तुम्हारी तरह जाहिलों की तरह खुसरों की तरह नाच रहे हो और जाहिलों की तरह सिलेंसर फाड़ फाड़ के रोडों पे घूम रहे हो। और क्या करें? ऐसे थोड़ी आजादी मनाई जाती है। आजादी का मतलब है कि हमारे बुजुर्गों के किए हुए कामों को याद करा जाए। तुम्हारी तरह नहीं जो इन जाहिलों की तरह खुसरों की तरह नाचा जाए और फजूल हरकतों में टाइम ज़ाया किया जाए, बल्कि अपने बुज़ुर्गों की शहादत को बहुत अच्छे से और बहुत मोहब्बत से याद किया जाए। और ये फजूल झंडियाँ क्यों लगाते हो? एक दिन ये ऊपर और दूसरे दिन नीचे पड़ी हुई होती है और लोगों के पैरों में आ रही होती है। अपने वतन के झंडे की बेहुरमती हो रही होती है बेटा, झंडे की बेहुरमती हो रही होती है। सही अंकल, गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आपने हमें समझाया। नहीं करना यार, अब ठीक है, कल से नहीं। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। अबे लंबे, 14 अगस्त आ रही है, क्या सीन है 14 अगस्त का? कुछ सीन तो करना है यार 14 अगस्त। अबे हाँ, कुछ तो करो। अबे एक काम करते हैं, तू ना सिलेंसर निकाल ले बाइक के और तू ना बाजी ले। बाजी? अबे बाजे पों वो ले। अच्छा बाजे? हाँ बस सही, तू बाजी नहीं हो, मैं सिलेंसर ले आऊंगा। स्पीकर विकर लगाएंगे, फुल मस्त माहौल, फुल गाने वाने लगाते हैं, फुल तफरी में सीव्यू चलेंगे। सीव्यू? अबे सिलेंसर निकाल के सीव्यू, पुलिस वाले कुल लोग ऐसे खड़ा मारते निकलेंगे। चलो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जश्न आज़ादी मुबारक। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पीछे हमें कुछ मंचले दिख रहे हैं जो कि 14 अगस्त मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको उसके बारे में कुछ पता भी है या फिर ऐसी हवाइयाँ उड़ा रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, 14 अगस्त आपको, 14 अगस्त क्या हुआ था? 14 अगस्त पाकिस्तान माशा। पाकिस्तान किसने आज़ाद कराया था? मजदूर ने। आपको ये भी नहीं पता मजदूर ने आज़ाद कराया था? माशाल्लाह। और पाकिस्तान के कितने सूबे? पाकिस्तान के 4 सूबे। माशाल्लाह। किसका, कौन कौन से बताइए? ये अपना मलीर, खोपरा पार, सदर और चौथा नहीं पता। कुरंगी, कुरंगी, कुरंगी। क्या बात है, क्या बात है। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? सर सैयद अहमद खान ने ये भी नहीं पता? पहले ये बताओ ये है कौन? देख रहे हैं, यही है पाकिस्तान का फ्यूचर, ये मुस्तकबिल है। कायदे-ए-आज़म ने बोलते ना, जवान पाकिस्तान का मेहमान है, ये रहा मेहमान। आइए मेरे साथ, आप ही लेके चलेंगे, आप ही डुबाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान। चल मेरा भाई, ये सब कुछ तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। है जो शेर जनू है ये अपना यकीन, के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं।